हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितु व्यास। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि आप नेचुरल तरीके से अपने बाल को काला कैसे रख सकते हैं। एक चम्मच हल्दी के इस्तेमाल के बाद आप अपने बालों में डाई को लगाना भूल जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक चम्मच सरसों ऑयल, आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच हमने कॉफ़ी पाउडर लिया है, एक बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर। इन तीनों के मिश्रण से हम एक परफेक्ट डाई बनाने वाले हैं। चलिए जल्दी से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमने लिए एक लोहे की कढ़ाई, इसमें हम हल्दी पाउडर को ऐड करेंगे। गैस को ऑन करना है। अब हम इस हल्दी को ड्राई रोस्ट करेंगे। जब आप बालों में मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी गलाते हैं तो आप लोहे के बर्तन का ही यूज़ करें, उससे आपके मेहंदी बहुत ही अच्छा कलर देती है। हल्दी को हम इतना रोस्ट करेंगे कि हमारी हल्दी पूरी तरह से जल जाए, हल्दी का कलर डार्क ब्लैक हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी हल्दी ने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। यदि आपके बाल हल्के भूरे हैं तब भी आप इस तरह से हल्दी का जो हम पेस्ट बनाएंगे उसको आप अपने बालों में लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं हल्दी का कलर पूरा ब्लैक हो गया है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कढ़ाई हमारी गर्म है इसलिए हल्दी की साइड कंटिन्यू चेंज करते रहना है। अब हम इसमें ऑयल को ऐड करेंगे। सर्दी के मौसम में आप सरसों का ऑयल का ही यूज़ करें, उससे आपके सिर में गर्मी बनी रहेगी। और अदर मौसम में आप कोकोनट ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई हमारी गरम है उससे हमारा ऑयल भी गरम हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी पाउडर। जब ऑयल और हल्दी हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप कॉफ़ी को ऐड कीजिए। कॉफ़ी को ऐड करने के बाद आप इसको कंटिन्यू मिलाते रहिए, उससे आपकी कॉफ़ी जमेगी नहीं। आप देख सकते हैं बालों में लगाने के लिए हमारी परफेक्ट डाई बन के कम्प्लीट है। हमने इसमें किसी भी अदर केमिकल का कोई यूज़ नहीं किया है, इससे आपके बालों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इसको हमने थोड़ी मात्रा में बना के आपको बताया है। आप अपने बालों की लंबाई के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस तरह के पेस्ट को आप अपने बालों में किस तरह से लगाएंगे। पहले आप अपने बालों को शैम्पू से अच्छे से वॉश कीजिए। बाल अच्छे से ड्राई होने के बाद आप हल्दी वाले ऑयल को अपने बालों में लगाइए। आप इस तरह के हल्दी वाले ऑयल को अपने पूरे बालों में और जड़ों में अच्छे से मसाज कीजिए। जब आप इस ऑयल से अपने बालों में मसाज करेंगे तो उससे आपके बालों की जड़ मजबूत होगी और आपके बाल काले और घने होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस ऑयल को लगाने के बाद आप मिनिमम 2 घंटे और मैक्सिमम आप 4-5 घंटे बाद अपने सिर को वॉश कर सकते हैं, पर आप शैम्पू का यूज़ ना करें। आप खुद देखेंगे कि आपके बाल हल्के काला होना स्टार्ट हो चुके हैं और इससे आपके बाल भी बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। इस ऑयल को हफ्ते में 2 बार लगाइए। 2 बार नहीं तो आप 1 बार लगाना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप खुद फ़र्क देखेंगे अपने बालों में। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।